सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक संजीदा विषय पर चर्चा करेंगे, उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर संभवतः देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल खुद होकर चर्चा नहीं करना चाहता। कल दरअसल देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हालांकि शुरुआत में उसका नाम महज कांग्रेस था, उसने अपनी स्थापना के 137 साल पूरे कर लिए। 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम की पहल पर मुंबई के गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय के मैदान में कुछ देश के संदर्भ में सोचने विचारने वाले लोग इकट्ठा हुए थे और डब्ल्यूसी बैनर्जी के अध्यक्षता में कांग्रेस नाम की संस्था अस्तित्व में आई। वक्त गुजरता गया, कांग्रेस का स्वरूप बदलता गया, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक स्वरूप सही मायनों में और देश की पार्टी होने का स्वरूप सही मायनों में तब अख्तियार किया जब मोहनदास करमचंद गांधी जैसे शख्स ने कांग्रेस के साथ अपना नाता जोड़ा। 1915 से लेकर 1947 तक का कालखंड गांधी युग के तौर पर कांग्रेस में याद किया जाता है। कांग्रेस के साथ वह जुड़े भी, फिर बाद में उन्होंने अपने आप को सक्रिय भूमिका से अलग भी कर लिया, पर कांग्रेस गांधी की छाया में ही फैसले लेती रही, आगे बढ़ती रही। आजादी के बाद नेहरू युग शुरू हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में एक प्रधानमंत्री देश को मिला जिसने कांग्रेस पार्टी को भी नेतृत्व दिया और साथ साथ इस देश का नेतृत्व किया। उसके बाद के कालखंड के दौर में कुल जमा अब तक 16 आम चुनाव देश में हुए। 16 में से 6 में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के तहत सफलता हासिल की, 4 में संयुक्त सरकार के रूप में देश का नेतृत्व किया। कुल मिलाकर अगर सालों की दृष्टि से आकलन किया जाए तो 49 साल तक इस देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार का संचालन हुआ। पर वो कांग्रेस पार्टी जिसके पास इतना स्वर्णिम इतिहास आजादी से पहले का है, आजादी के बाद का है, उसका वर्तमान क्या है? वर्तमान की स्थिति है कि 545 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में महज 52 सदस्य हैं। इससे पहले वाले चुनाव में वो संख्या इससे भी 42 के स्तर पर थी। राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में इस समय कांग्रेस के हिस्से में महज 37 सीटें। तो कुल जमाकर आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल जिसके पास कभी देश का स्पष्ट जनादेश हुआ करता था, आज एक सीमित हिस्से में भी कोई उपस्थिति दर्ज करा पाने में क्यों नाकाम रह रहा है? क्या आने वाला समय कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा खराब रहने वाला है, या आने वाले समय के संदर्भ में हम कोई उम्मीद देख सकते हैं? चुनावी सफलता से इतर जानने में यह भी दिलचस्पी है कि कांग्रेस के जमे जमाए नेताओं को भी अब कांग्रेस भाती क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस के जमे जमाए नेता भी अब दूसरी पार्टियों में अपने भविष्य को देखते हैं? जानने में दिलचस्पी इस बात की भी है कि देश की समस्याओं का समाधान करने का दावा करने वाली पार्टी अपने संगठन से जुड़े हुए मसलों का भी कोई तथ्यपरक समाधान दे पाने में पिछले कुछ वर्षों से नाकाम क्यों है? इस मसले पर चर्चा के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस मंथन में कुछ सकारात्मक निकालकर हम आपके लिए दे पाए, लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा सटीक है। हमारा आज का विचार सूत्र महान उपन्यासकार और क्रांतिकारी यशपाल जी का दिया हुआ है। उन्होंने लिखा था कि देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। यशपाल जी ने जो बात देश के संदर्भ में कही थी, क्या वही बात 100% पार्टियों के ऊपर भी लागू नहीं होती है? कि पार्टियों के संदर्भ में भी उनका भविष्य किसी नेता कार्यकर्ता के बयान या अन्य किसी किस्म की सक्रियता पर नहीं, बल्कि जनता के भरोसे पर निर्भर करता है। और जनता के भरोसे पर कांग्रेस कहां चूक रही है, इस आलोक में ही अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान है। हमारे साथ प्रेमकाश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विचारक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हैं और भी जाना क्या क्या है, लेकिन कुल मिलाकर हम विचारक के तौर पर ही उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे साथ गुरदीप सप्पल जी हैं। कांग्रेस पार्टी में इस समय विचारों के अभाव का संकट रहता है, पर गुरदीप सप्पल के रूप में एक प्रवक्ता उन्हें ऐसा मिला हुआ है जिसके पास विचार के आधार पर बात करने के तर्क अभी भी जिंदा है। देखें वो अपनी पार्टी के लिए क्या कुछ रख पाते हैं। और 2 वरिष्ठ पत्रकार देश के जाने माने, उनको हमने इस कार्यक्रम में जोड़ा है। हमारे साथ श्रवण गर्ग जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सबके पुरोधा हैं, वह हमारे साथ हैं। और साथ साथ राजकुमार सिंह जी भी वह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सप्पल जी से ही करते हैं और सप्पल जी से ही जानने में हमारी दिलचस्पी है कि कांग्रेस जूझता वर्तमान, उलझता भविष्य। कल स्थापना दिवस था, कांग्रेस की हालत का अंदाजा लोग उस घटना से भी करा रहे हैं जिसके तहत
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष या पूर्णकालिक अध्यक्ष जैसा भी गुरदीप सप्पल जी हमें बताएं, वो पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण कर रही थी, ध्वज फहराना था पर ध्वज जो है नीचे गिर पड़ा, लोगों के ट्वीट चालू हो गए, प्रतिक्रिया चालू हो गई, झंडा नहीं संभल रहा, पार्टी कहां से संभलेगी। इस प्रकार के हालात के बीच में पार्टी है देश की सबसे पुरानी। गुरदीप सप्पल जी, वर्तमान की उलझन, भविष्य की उलझन, क्या कुछ कहते हैं आप? हिमांशु जी, आपने चुटकी लेके शुरू किया तो जवाब भी चुटकी से ही मिलेगा। जी, कल जब ये घटना घटी परसों, तो ये सही बात है कि कांग्रेस का ध्वज वो नीचे गिरा और सोनिया जी ने उसको संभाल लिया। लेकिन कुछ महीने पहले जब अमित शाह जी भारत का ध्वज फहरा रहे थे और वो गिर गया और जमीन पे आ गिरा उनके पैरों पे, तो अगर आप ये उक्ति को यूज करेंगे कि कांग्रेस की हालत क्या है, तो फिर बीजेपी के राज में, गृहमंत्री के राज में भारत की हालत क्या है, वो सेम आपको मानना पड़ेगा। लेकिन दुर्घटना, बहरहाल दुर्घटना होती है। हमने अमित शाह जी से जब हुई थी तो उसको भी एक एक्सीडेंट माना था और ये भी एक एक्सीडेंट था, इसको कोई और मतलब देना उचित नहीं है। जी, दूसरी बात, आपने अपने इंट्रोडक्शन में दो चीजें बोली जिसको मैं पहले रिकॉर्ड सही कर दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम है 1885 की कॉन्फ्रेंस में ही रख दिया गया था। जब कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तो कांग्रेस थी और जब खत्म हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। जी, और दूसरे, नेहरू जी का जो युग है जी, वो आजादी के बाद शुरू नहीं हुआ हिमांशु जी, जी वो 1929 में सही कांग्रेस में, वो 1919-20 में आ गए थे लेकिन 1929 में शुरू हुआ जब वो अध्यक्ष बने और वो युवा खून के उनको माना गया और गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज और कराची रेजोल्यूशन की रूपरेखा तैयार की जी, जिसके अंदर वो रूपरेखा हुई कि भारत होगा कैसे, कि भारत में आम जनता के अधिकार क्या होंगे, भारत में सबको मौलिक अधिकार होंगे, सबके लिए बराबरी होगी, भारत में ट्रेड यूनियन की अनुमति होगी, भारत में प्रोटेस्ट का विरोध करने का अधिकार होगा, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता होगी। ये जितनी चीजें हैं ये कराची के रेजोल्यूशन में आ गई थी 1930 के अंदर, 31 में सॉरी, और वही आधार बना जो भारत का स्वरूप बना आजादी के बाद। और आज जब आप ये बात कर रहे हैं तो हम बात सिर्फ कांग्रेस कमजोर हुई उसकी नहीं कर रहे हैं, ये तमाम चीजें कमजोर हो रही है उसकी भी साथ में करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई है हिमांशु जी, वैसे वैसे ये अधिकार भी कमजोर हो रहे हैं और इसमें कोई बहस देश में बची नहीं है, क्योंकि इसमें बीजेपी ने भी कोई छुपाव करना शुरू नहीं किया है। वो दिल ठोक के अपना सीना तान के कहते हैं कि हाँ प्रेस उनके साथ है, प्रेस की स्वतंत्रता आज की तारीख में नहीं है। वो बिल्कुल इस बात को आज जनता मानती है कि आप विरोध का अधिकार आपके पास नहीं है। जनता इस बात को मानती है कि आज फर्स्ट सिटीजन सेकंड सिटीजन की बात इस देश के अंदर होने लग गई है। जनता इस बात को मानती है कि आज सबके अधिकार बराबर नहीं है। तो कांग्रेस का स्वरूप और आज जो बीजेपी का स्वरूप है वो दो पार्टियों के मजबूत और कमजोर होने की बात भी है और भारत का जो स्वरूप है, कांग्रेस का स्वरूप और आरएसएस का स्वरूप, उसके कमजोर और मजबूत होने की बात भी है। इसलिए जरूरी है कि हम पर्सपेक्टिव को ठीक से समझें, क्योंकि अगर कांग्रेस, क्योंकि आपने 137 साल की यात्रा की बात की है, इसकी बात मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। आप फर्ज कीजिए जैसे आज बीजेपी सरकार चला रही है या बहुत सारी दूसरी पार्टियां भी हैं जो जातिगत आधार पर बनी हुई है इस देश के अंदर, अगर इनमें से कोई पार्टी 1947 में पावर में आई होती, जब विविधताओं का देश था, जब इतने सारे प्रिंसली वो थे, हम एक गरीब मुल्क थे, तब देश की हालत क्या होती अगर सिर्फ एक धर्म या एक जाति की पार्टी इस देश के अंदर राज करती। आज देश अगर यूनाइटेड है, अखंड है, अगर आज देश ने तरक्की की है, वो मुख्यतः इसलिए की है कि एक जाति एक धर्म की पार्टी का राज इस देश में नहीं हुआ था। वरना 20 लाख लोगों के कत्लेआम के बाद पार्टीशन हुआ था उस दौरान में, और उसके बाद ये भारत एक होके मजबूत होके निकला, जहां पे कोई भी धर्म का आदमी अपने को सेफ मानता था, जहां पे कोई भी जाति के आदमी को तरक्की करने का मौका मिला। और 70 साल में जाति के बंधन टूटे भी हैं, ऐसा नहीं जाति के लिए 2200-2300 साल से जाति के खिलाफ इस देश में संघर्ष चल रहा है, बुद्ध का हो चाहे नानक कबीर का हो, लेकिन संवैधानिक दर्जा कानून के हिसाब से सब बराबर हैं। ये उसी कांग्रेस की देन है, आज उसको चुनौती है, इसमें तो कोई शुबा है ही नहीं। आज कांग्रेस पिछले दो चुनाव हार चुकी है लोकसभा के, कमजोर है, लेकिन इस कमजोरी के अंदर ही वो जवाब भी छुपा है कि अगर आपको देश को वापस उस जगह पर ले जाना है जहां पे सब बराबर हों, जहां पे आपके अधिकार सुरक्षित रहें, तो
तो कांग्रेस को भी जनता को मजबूत करना पड़ेगा और कांग्रेस को भी खुद को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन जनता में आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि वो सवाल तो उठता है बीजेपी के साथ, लेकिन जो सही विचारधारा है उसके साथ खड़े होने में आज थोड़ा सा लोगों के अंदर एक एक उस तरह का भाव नहीं दिख रहा। उसका एक मुख्य कारण है सोशल मीडिया और सूचना तंत्र पे जो बीजेपी का पूरा कंट्रोल है। कांग्रेस के कमजोर होने के ऊपर केवल कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है हिमांशु जी, आपका चूंकि प्रोग्राम बड़ा बौद्धिक लेवल पे काफी हाई लेवल का होता है, इसलिए मैं उसी लेवल पे बात अपनी को कर रहा हूं कि जब से सोशल मीडिया आया खासतौर पर 2010 के बाद, तो पूरी दुनिया में जितने भी रिजीम हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो किसी को दुश्मन बना के पावर हासिल करते हैं, चाहे वो भारत में हो, टर्की में हो, जापान में हो, वो ट्रंप रहा हो, वो लीपेन रही हो, ठीक है, हर देश के अंदर वो लोग मजबूत हुए क्योंकि सोशल मीडिया के आधार पे फेक न्यूज को चलाना। सपन जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको विनम्रता के साथ में, क्योंकि आपने काफी विस्तार से बोल लिया लेकिन उसमें कई सवाल छुपे रह गए। आपने कहा कांग्रेस कमजोर नहीं हुई, ये संस्थाएं भी कमजोर हुई, और जनता इस बात को समझ रही है। जनता अगर इस बात को समझ रही है फिर भी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं हो रही है, इस नाकामी पर गुरदीप सप्पल क्या कहते हैं? दूसरा, कांग्रेस कमजोर इसलिए हो रही है कि क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ गया है। इस बात से श्रवण जी और राजकुमार जी कितना इतफाक रखते हैं वो तो उनके पास जाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, आपसे समझना ही चाहता हूं कि आगे सोशल मीडिया के दौर में भी कांग्रेस मुकाबला करने से क्यों चूक गई? किसने रोक दिए थे आपके हाथ पैर? क्यों आप अपने विचार के साथ में खड़े नहीं हो पाए? क्यों आप आज तक ये भी सही तरीके से प्रतिकार नहीं कर पाते हैं कि लोग नेहरू को गाजी खान का खानदान का बता देते हैं, आप तो उसे भी रोक पाने में नाकाम रहते हैं। फिरोज गांधी को आज भी आधे से ज्यादा देश मुसलमान मानने के लिए तैयार है, आप इस सत्य को भी लोगों के बीच नहीं ले जा पाते हैं। इस नाकामी के लिए आप भाजपा को जिम्मेदार बताते रहेंगे या अपनी नाकामी? और अगर अन्यथा ना लें तो निकम्मा पर भी लोग इसे करार देते हैं कि जो आप है नहीं, लोग वो भी आपको बता देते हैं और आप उसे भी नहीं रोक पाते। तो अपनी इस कमजोरी को कहीं एहसास करेंगे या केवल भाजपा को जिम्मेदार, सांप्रदायिकता को जिम्मेदार बता के कर्तव्य की तीसरी कर लेंगे? पहला सवाल तो यह। दूसरा, मेरा बार बार सवाल है कि देश की समस्याओं को लेकर आप समाधान देंगे वो तो तब होगा जब पहले आप अपनी पार्टी की समस्याओं से उभर लेंगे। आपकी अपनी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें जवाब नहीं मिल रहे हैं वो दूसरे विकल्प खोज रहे हैं, ऐसे में पार्टी के प्रति जनता का भरोसा बने कैसे संभव है? गुरदीप जी, आपने दो नहीं चार पांच सवाल कर दिए जी, क्या करूं? पार्टी इतनी पुरानी, आप इतने विचारवान, कम से काम नहीं चलता ना? अभी अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं हिमांशु जी, मैं आपको परसों की घटना से बताता हूं। परसों दिल्ली के अंदर हजारों हजार डॉक्टरों ने आंदोलन किया, उनकी जबरदस्त पिटाई हुई, आधी रात रात 2 बजे 3 बजे तक पूरा आंदोलन चलता रहा। लेकिन दिल्ली के लोगों तक भी ये बात नहीं पहुंची क्योंकि टीवी चैनलों ने दिखाया नहीं और सोशल मीडिया पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया। सोशल मीडिया की खासियत है कि मुझे जैसी खबर पसंद है मुझे वैसी ही खबर अब मेरे वॉल पे आती है। तो दिल्ली के अंदर डॉक्टरों की हड़ताल, डॉक्टरों का प्रोटेस्ट भी दिल्ली के लोगों से छुपा पाना ये आज संभव हो गया है क्योंकि बीजेपी ने सूचना तंत्र पे पूरा कंट्रोल किया, जो सूचना तंत्र है। और दूसरी बात हिमांशु जी, आरएसएस के बारे में शुरू से एक बात मानी जाती है कि वो अफवाहें फैलाने में महारत उनको हासिल है, और सोशल मीडिया के आने पर अफवाहें फैलाना बहुत आसान हो गया। बोस्टन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई थी कि अगर आप सच्ची बात करते हैं सोशल मीडिया पे और अगर आप झूठी बात करते हैं तो झूठ 6 गुना ज्यादा फैलता है, और इसका फायदा हर उस पार्टी को मिलता है दुनिया की जो अफवाहें फैलाने में यकीन करती है, अफवाहें और झूठ बोलकर अपनी राजनीति करते हैं। तो इससे तो हम जूझ रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन इससे निपटने के लिए अपने संगठन को ठीक करना, अपनी बातों को करना और लोगों को दोबारा से बताना, ये प्रक्रिया अब शुरू हुई है। आपने ये बात ठीक बोली है कि इन्होंने बहुत झूठ फैलाया, चाहे वो गांधी के बारे में हो, चाहे वो नेहरू जी के बारे में हो, चाहे वो किसी के बारे में हो, लेकिन जितना नेहरू जी के बारे में आज जनता में सच जाने लगा है, मैं तो बचपन से अब तक जब मैंने कभी नहीं देखा था इतनी बातें होते हुए। तो जो काउंटर नैरेटिव है वो शुरू हुआ है, उसको वक्त दीजिए, धीरे धीरे उसको भी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और रही बात पार्टी के अंदर कुछ लोगों की, तो देखिए जब सत्ता की पार्टी होती है
और सत्ता से बाहर होती है। तो कुछ लोग जो वैचारिक रूप से जुड़े होते हैं, कुछ सत्ता के साथ जुड़े होते हैं, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको वो नहीं मिल रही है तो जा रहे हैं। जो वैचारिक रूप से कांग्रेस में बिलीव करते हैं, ऐसे बहुत सारे नए लोग जुड़ भी तो रहे हैं। आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं कि आज की तारीख में जितना युवा वर्ग अब जुड़ रहा है और आप सोशल मीडिया पे अब उनकी आवाज उभरने लगी है, इस सच्चाई से तो हम नकार नहीं कर सकते। अरे धमाल जी, मैं किसी सच्चाई से नकार नहीं रहा हूं, माफी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, इस सोशल मीडिया के दौर में तृणमूल कांग्रेस भाजपा को धूल चटा देती है, दो तिहाई से भी छोड़िए तीन चौथाई बहुमत के स्तर पर पहुंच जाती है। जगन मोहन रेड्डी इस दौर के अंतर्गत भी भाजपा को जड़े नहीं जमाने देते हैं। इस दौर के अंतर्गत भी चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी के साथ अपना वजूद लगातार साबित करते हैं। इस दौर के अंतर्गत विजयन भी अपने आप को साबित कर पाने में कामयाब होते हैं। इस दौर के अंतर्गत भी एक लंबी फेरिस्त है जिसमें छोटी छोटी पार्टियां भी भाजपा को केवल चुनौती नहीं देती है बल्कि परास्त करती है। उनके बीच में कांग्रेस अभी भी सोशल मीडिया मीडिया के फेल पे उलझी है। क्या वाकई ये सच है? जो पार्टी 2.5 साल के पराजय लोकसभा में हो जाने के बाद आज भी पूर्णकालिक अध्यक्ष दे पाने में नाकाम रह रही है, और उसके लिए भी क्या भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है? ये सवाल है। मुझे जाना प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास है, लेकिन उससे पहले जाना चाहता हूं श्रवण गर्ग जी के पास। उनसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की परेशानी केवल भाजपा है, या कांग्रेस को स्वयं भी नहीं पता है कि उसे करना क्या है, जाना क्या है? ये असल समस्या हो गई है, और इस समस्या के चलते बाकी सारे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जी श्रवण जी, मैं एक तो कांग्रेस की तो समस्या है अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी को समस्या नहीं मानता हूं कांग्रेस की जी। कुछ हद तक मानता हूं, वो सभी दलों के लिए समान है, मतलब कोई कांग्रेस के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की तानाशाही को इस देश में स्थापित करना चाहती है उसमें उसे किसी भी दल की जरूरत नहीं है, तो उसमें कांग्रेस भी शामिल है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि उसके प्रयासों के विपरीत इतने सारे दल अलग अलग राज्यों में सिर उठा रहे हैं। चूंकि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को जो ये जो वर्तमान में जिस परिवार के हाथ में है, अब वो कांग्रेस को नहीं बचा पाएगा, और बचाना चाहता है कि नहीं इसको भी लेकर काफी शक है। पर इस कांग्रेस को देश के लोग बचाएंगे। वो देश के लोग इसलिए बचाएंगे कि एक राष्ट्रीय दल की इसलिए जरूरत है कि अगर वो दल नहीं हुआ तो इस देश में तानाशाही आ जाएगी। तो अब इसको जो लोग हैं जो इस तरह की रिजीम का विरोध करते हैं, उन लोगों की जरूरत बन गई है कांग्रेस। कांग्रेस के लिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है। जिस तरह से लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस को, टुकड़े कर रहे हैं कांग्रेस के, छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस को, ये स्थिति तो देखिए ये जो बनी है ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और इसका जवाब तो सप्पल जी दे सकते हैं कि क्यों इस तरह से लोग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया पर तो नियंत्रण जाहिर है, पूरे देश में ही जिस तरह से वो लोग चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, कांग्रेस अपने लोगों को क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रही है? मतलब वो नौजवानों को भी नहीं नियंत्रित कर पा रही है और बूढ़ों को भी नियंत्रित नहीं कर पा रही है। जो नौजवान है वो बीजेपी में जा रहे हैं, जो बूढ़े हैं वो अपनी पार्टियां बना रहे हैं। तो अब जो कांग्रेस में बचेगा कौन? तो ये सोशल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी जो देश में करना चाहती है वो तो कांग्रेस को भी नहीं चाहती और मुसलमानों को भी नहीं चाहती है। तो अब क्या करें? उसके लिए मुसलमान भी रहेंगे कांग्रेस में भारत में, और कांग्रेस भी रहेगी भारत में, दोनों से मुक्ति नहीं मिल सकती है भारतीय जनता। जी, आपको बीच में एक सवाल के लिए रोकना चाहता हूं विनम्रता के साथ। और आपने कहा कि कांग्रेस ही तो नहीं चाहते कि कांग्रेस रहे, लेकिन देश के लोग चाहते हैं कांग्रेस रहे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी चाहिए। तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर अब जो बाकी पार्टियां जो क्षेत्रीय से राष्ट्रीय होने की कोशिश कर रही है, चाहे ममता बनर्जी की बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, ये दोनों ही पार्टियां अब अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश कर रही है, क्या आप इस विकल्प को गंभीरता से नहीं लेना चाहते कि कांग्रेस जब अपने आप को संभाल पाने में नाकाम है तो ऐसे में इन दलों की कोशिश परवान चढ़ सकती है? चंडीगढ़ के संदर्भ में आपने देखा, सूरत के संदर्भ में आपने देखा,
गोवा में भी अब ये दोनों पार्टियों को लोग गंभीरता से ले रहे हैं, क्या कहते हैं आप? मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं एक राष्ट्रीय दल की बात कर रहा हूं, मैं क्षेत्रीय दलों की बात नहीं कर रहा हूं। ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो, इनकी राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्वीकार्यता कभी बनेगी नहीं। जो स्वीकार्यता कांग्रेस की है, मतलब इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई पार्टी 137 साल तक जीवित है, 136 साल पूरे कर लिए हैं उसने, तो इस देश को उस पार्टी की जरूरत है। मतलब आप उसको इतने तूफान आए कांग्रेस के जीवन में, कांग्रेस खत्म नहीं हो पाई, तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि इसके साथ लोग और इमोशनली जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस को खत्म नहीं होने देंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस खुद क्या चाहती है और लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहती है कि नहीं। कि लोग चूंकि कांग्रेस को चाहते हैं, तो जो कांग्रेस में लोग अभी बैठे हुए हैं, वो इस चीज को ही अपनी ताकत बनाकर अपना अहंकार बनाए हुए हैं कि लोग उसको चाहते हैं। वो लोगों की मजबूरी को अपने अहंकार में तब्दील कर रहे हैं, ये दिक्कत है और कुछ नहीं है। नहीं तो जिस तरह की स्थिति है उसमें तो कांग्रेस में बहुत सारे परिवर्तन अभी तक हो जाने चाहिए थे, जो कि ये करना नहीं चाहते हैं। तो श्रवण जी कुल मिलाकर मान रहे हैं कि जनता के स्तर पर समस्या कम, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अपने स्तर पर समस्या ज्यादा है, परिवार खुद अपने आप में समस्या बना हुआ है, इसके संदर्भ में भी श्रवण गर्ग जी इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलता हूं। प्रेम प्रकाश पांडे जी से समझ नहीं चाहता, श्रवण जी का भी मानना है कि आप तो तानाशाही चाहते हैं, आप तो किसी दल को होने नहीं देना चाहते हैं, तो कांग्रेस को भी आप क्यों होने देंगे। लेकिन इससे इतर आपसे समझना ये चाहता हूं प्रेम प्रकाश जी, कि आप तो होना तो ममता बनर्जी को भी नहीं देना चाहते, पर फिर भी ममता जी हैं, आप चंद्रशेखर राव को भी होने देना नहीं चाहते पर वो हैं, आप जगन रेड्डी को भी नहीं होने देना चाहते पर वो हैं, तो कांग्रेस को भी नहीं होने देना चाहते पर कांग्रेस नहीं रह पा रही है, क्यों नहीं रह पा रही है प्रेम प्रकाश जी? ये जानने में दिलचस्पी है। आप जो चाह रहे हैं कांग्रेस के संदर्भ में वैसा आप कर पा रहे हैं ऐसा हम महसूस करते हैं। आप 3 अंकों में भी कांग्रेस को नहीं पहुंचने दे रहे हैं, राज्यों के स्तर पर भी आप उसे किसी लायक नहीं छोड़ने देना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह आपको 4 साल तक बहुत बुरे लगे, अचानक कैप्टन अमरिंदर सिंह ही आपको पंजाब का भविष्य दिखने लगे, तो आपसे समझना चाहते हैं कांग्रेस के संदर्भ में आपके नजरिए को। देखिए, जहां तक कांग्रेस का मामला है, आपने जो कहा था वाकई में जो कल ठीक हुआ है और जो कल की घटना है दुर्घटना है ही सही मान लीजिए, लेकिन एक ये सही है कि इसका झंडा डंडे में फहरा करके आज से 1800 उसमें एक अंग्रेज ने रखा था ये युग में, वो भी विदेशी था, और अंतिम झंडा जो गिरा है वो भी एक विदेशी नागरिक के हाथ में जाके गिर गया। अब फिर वो उठा के रखी है, वो देख रही है कि झंडा किसको दूं, इधर अपने राहुल बाबा को दूं कि प्रियंका जी को दूं, वो झंडे को डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जाए किधर। तो अभी कांग्रेस की स्थिति वहां पर है। अब रही बात श्रवण गर्ग जी और हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं, उन्होंने भाजपा तानाशाह है, भाजपा की इच्छा है, भाजपा किसी को देखना नहीं चाहती है। चार हम लोग, आपने कहा कि कांग्रेस भाजपा कांग्रेस और मुसलमान दोनों को नहीं देखना चाहती, भाई आप ये बताओ 1947 में देश का बंटवारा जब हुआ तब कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी कहलाती थी? तब कांग्रेस हिंदू पार्टी कहलाती थी, और इसलिए तो वो वहां मुस्लिम लीग पैदा हुआ और देश का ये हुआ। 1925 से जिस संघ की विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, वो अखंड भारत की बात कर रहा है। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है वो इस्लामिक है। हम अखंड भारत की बात करते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम हिंदू राज्य की बात कभी नहीं हमने कहा कि राज्य हमारा इस्लामिक हो या हिंदू हो। तो एक आप लोगों ने नैरेटिव तय कर दिया कि हम एंटी मुस्लिम हैं, और मुसलमानों में संघ और भाजपा के प्रति
जो घृणा प्रत्याय करते करते कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई कि बाद में वो मुस्लिम प्रो मुस्लिम पार्टी हो गई, और जो सेकुलरिज्म की परिभाषा जो व्यवहार में देखने को मिली उसमें एक वर्ग के साथ वो खड़ी दिखाई देने लगी। अब स्थिति ये हो गई कि जनेऊ भी पहन रहे हैं, संत सम्मेलन भी खुद बुला रहे हैं संतों पे, तो ये जो कांग्रेस का दुविधा है। और बड़ी बात कर रहे थे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी कि भाई हम लोग बड़ा झूठ फैलाते हैं। अच्छा, राजीव गांधी जी ने जब सिखों की नरसंहार हुआ उसको तो उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिर गया। अब इस बात को भी यदि हम कह रहे हैं या पूरा देश देख रहा है तो क्या वो गलत था? नेहरू जी को गांधी जी ले आए, गांधी जी के ही कारण ये कांग्रेस आई, और गांधी जी के नाम पर गांधी जी ने जो स्वयं कहा था आजादी के बाद कि भाई कांग्रेस को समाप्त कर दो, आपने गांधी का नाम ले लिया, गांधी के विचारों को तो कहीं नहीं लिया। फिर रही बात हमारी तानाशाही की, हम 1951 से राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहे हैं, हम प्रत्येक जगह पर लोकतांत्रिक तरीके से हर चुनाव में भाग लिए, हर चुनाव को हम लड़े हैं, हम दो सीट के बाद भी आगे लड़ लड़ के बढ़े हैं, जनता का हमने भरोसा जीता है। हम जब जनता का भरोसा जीत करके पार्लियामेंट में पूर्ण बहुमत लाते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, हम तानाशाह हो जाते हैं। कौन सी ऐसी चीज की गई? आपने तो इमरजेंसी में सारा बंद कर दिया, आज क्या नहीं है, प्रेस की स्वतंत्रता पर कहां रोक लगा है, कौन से हमने कहा है कि जो आप छापने के पहले कलेक्टर को दिखाओ, कौन सी चीज कही है कि आप... प्रेमिका जी आपको बीच में रोकता हूं, मैं भाजपा क्या कर रही है इस पर नहीं जाना चाहता। कांग्रेस जिस स्थिति में है क्यों है और आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य आप क्या देख पा रहे हैं इस पर रहना चाहता हूं। प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास एक दृष्टि है, उस दृष्टि को साझा करने की अपेक्षा इस कार्यक्रम में आपसे है। क्या देख रहे हैं कांग्रेस का भविष्य आप? आ रहा हूं कि कांग्रेस जो है, जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है, उसका कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया जी। एक परिवार और एक परिवार के कुछ लोगों के निर्णयों को हमेशा स्वीकार किया जी। और इस कारण से आज जो है जो परिस्थितियां बनी है, जनता के निर्णय को स्वीकार नहीं करना जी। अगर जनता ने कोई निर्णय दिया और उसको बार बार आप ये कह रहे हैं कि भाई ये जनता का निर्णय नहीं है, इसमें दूसरे इंस्टीट्यूशन जो है उसकी मर्यादाएं तोड़ी गई है, आप बताइए, आप चुनाव हारते हो तो ईवीएम को दोष देते हो जी। तो मेरा ये कहना है कि मुझको लगता है कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल, जिसको भी अगर ठीक करना है जी, पहली जवाबदारी उसकी लीडरशिप की है जी। लीडरशिप देखिए, आपने स्वयं माना कि गांधी जी आए तब जो है कैसी लीडरशिप आई, नेहरू जी के समय लीडरशिप थी, इंदिरा जी के समय लीडरशिप थी। लीडरशिप जितनी पॉजिटिव होगी, लीडरशिप जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करके और जो उसकी विचारधारा है वो वास्तविक रूप से जमीन पे दिखाई दे, तभी ये संभव है कि उसका उत्थान हो पाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी प्रेम प्रकाश जी ने दी है, असल संकट नेतृत्व का है। और इस देश के इतिहास पर दृष्टि डाले हैं तो इस देश की जनता को संगठन पे बहुत भरोसा कभी नहीं रहा। इस देश ने हमेशा चमत्कारिक नेतृत्व के पीछे जाने में रुचि ली है, चाहे वो चमत्कारिक नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, लाल बहादुर शास्त्री का था, इंदिरा गांधी का था, या अचानक जेपी का चमत्कारिक नेतृत्व। जनता पीछे बोली, संगठन कहां था तब? बाद के दौर में देखें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भी चमत्कारी नेतृत्व के तौर पर आए, लोगों को लगा कि ये चमत्कार कर देगा, लोग पीछे चले गए। क्या कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व चमत्कारिक नहीं है इसलिए इतनी दिक्कत है? ये सवाल लेके मैं राजकुमार सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, पर उस सवाल पर भी रहना चाहता हूं राजकुमार जी, जिसकी ओर प्रेम प्रकाश पांडे जी ने इंगित किया, श्रवण जी ने टिप्पणी की थी कि भाजपा तो ना तो कांग्रेस और ना मुसलमानों को रहना देना चाहती है। और प्रेम प्रकाश जी का आकलन यह है कि आजादी के समय तो कांग्रेस हिंदू पार्टी के तौर पर चित्रित थी,
पर बाद में धर्मनिरपेक्षता से बढ़ते बढ़ते वो मुस्लिम परस्त पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर बैठी और इसलिए इस हालत में पहुंच गए। आपकी दृष्टि इन दोनों नजरियों पर। हिमांशु जी, निराशाजनक स्थिति मुझे ये लगी कि गुरदीप सप्पल जी जैसा विचारवान व्यक्ति जी कांग्रेस की सारी बुराइयों के लिए बीजेपी को, मीडिया को, सोशल मीडिया को और देश को, मतलब कांग्रेस के अलावा हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर सिस्टम जिम्मेदार। कांग्रेस की कोई कमी रही है ऐसा गुरदीप सप्पल जी की टिप्पणियों से मुझे कोई स्वीकारोक्ति या कोई संकेत नहीं मिला। अब मुद्दे पे आते हैं। कांग्रेस, आपने जैसे बताया, करीब 49 साल 50 साल तक देश पर एक छत्र शासन किया। जाहिर सी बात है, देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे बड़े जनाधार वाली, सभी जाति वर्गों में स्वीकार्यता वाली पार्टी थी, तभी किया। अगर आप उसके बाद धीरे 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 फिसलते जाते हैं, शिखर अर्थ से फर्श पे आते हैं, केंद्र से हाशिए पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आत्मविश्लेषण की जरूरत भी पड़ती है। राजनीति में श्रवण जी ने भी कहा, प्रकाश पांडे जी ने भी कहा, नेतृत्व का सवाल उठाया। मुझे लगता है कि नेतृत्व के साथ दो चीजें और अहम होती हैं, हालांकि वो कहीं ना कहीं नेतृत्व से जुड़ी है। नेतृत्व, नियत और नीति। मेरा ऐसा मानना है कि 50 साल तक जो कांग्रेस का एक छत्र शासन रहा, केंद्र में भी और देश के राज्यों में भी, उसमें दो कमियां कांग्रेस के अंदर पनपी। पहली, कांग्रेस राजनीतिक दल से एक सत्ता तंत्र में तब्दील हो गया। सत्ता कैसे चलाई जाती है इसमें कांग्रेस ने महारत हासिल कर लिया, लेकिन जनता के बीच अपने आप को प्रासंगिक कैसे बनाए रखा जाता है, जनता से संपर्क कैसे जीवंत बनाए रखा जाता है, उससे कट गई। न सिर्फ जनता से कटी, आप बाद के पिछले 30 दशक में देखें, 3 दशक में, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी कट गई। जब आप जनता कार्यकर्ताओं से कट जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्यों कटे, क्योंकि आप चुनाव के बजाय, मेरा मानना है कि जैसे लोकतंत्र की प्राणवायु है चुनाव, वैसे ही किसी भी संगठन के जीवंत बने रहने के लिए भी संगठनात्मक चुनाव या आंतरिक लोकतंत्र जरूरी है। कांग्रेस के अंदर दोनों ये विकृतियां पैदा हुई, उसके चलते धीरे 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 कांग्रेस जब तक विकल्प पैदा नहीं हुआ तब तक एक सत्ता दल के, सत्ता तंत्र के तौर पर राजनीतिक दल के रूप में भी स्वीकार्य बनी रही, प्रासंगिक बनी रही। लेकिन आप देखें ज्यादातर राज्यों में बीजेपी तो केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर केंद्रीय राजनीति में 1996 के आसपास उस स्तर पर उभरती है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में जहां जहां विकल्प पैदा होते गए वहां वहां कांग्रेस सत्ता के केंद्र से हाशिए की तरफ खिसकती चली गई। जो कांग्रेस कभी देश के बहुसंख्यक वर्ग की, ज्यादातर जाति वर्गों की पहली स्वीकार्यता वाली पार्टी थी, धीरे धीरे आप देखिए कि वो परंपरागत जनाधार भी पहले राज्यों में और जब राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प उभरा तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस से खिसक गया। अभी श्रवण गर्ग जी कह रहे थे कि कांग्रेस की छवि तो हिंदू पार्टी की थी, शायद प्रकाश पांडे जी ने भी ऐसी टिप्पणी की। अब क्या हुआ, 80 के दशक के बाद या 90 के दशक के शुरू से बात करें तो वो हिंदू वर्ग की पहली पसंद भाजपा क्यों बन गई, दलित वर्ग कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा, मायावती या बीएसपी उसकी पहली पसंद क्यों बन गई। मेरा मानना यह है कि ये कांग्रेस की जो कमियां हैं हमको दिखाई 2014 के बाद दे रही हैं, 44 सीट पर आपसे बढ़ गए या 52 सीट पर रह गए, ये कमियां एक दिन में पैदा नहीं हुई है, ये कई दशकों में पैदा हुई है, जब लगातार आप अपनी विचारधारा से या समाज की भावनाओं से, जन भावनाओं से विमुख होते गए, और न ये एक दिन में ठीक होने वाली है, लेकिन ठीक तभी होगी जब पहले आप उसको एहसास करेंगे, आप रियलाइज करेंगे आपसे गलती क्या हुई। अगर आप कहेंगे मीडिया बीजेपी के शिकंजे में है इसलिए हमारी हालत है, सोशल मीडिया, अरे भाई 2010 में सोशल मीडिया आया, जैसा सप्पल जी ने कहा, चुनाव 2014 में हुआ, 2010 में आपकी सरकार थी, आप क्यों नहीं भाग पाए कि सोशल मीडिया आने वाले चुनावों में एक बड़ा हथियार बन सकता है, जबकि इस मुद्दे पर लगातार दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में गोष्ठियां हुई।
कि आने वाले चुनावों में सोशल मीडिया कितना इफेक्टिव औजार बन सकता है। और एक गोष्ठी की मुझे याद है, उसमें तो जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एसवाई कुरैशी वो भी मौजूद थी। तो आप क्यों गाफिल रहे जो चीजें बदल रही थी उनसे? तो आप क्यों गाफिल रहे, ये सवाल राजकुमार जी का। राजकुमार सिंह जी ने तो विफलता की लंबी फेरिस्त गिना दी, कारण भी गिना दिए, और उनकी शिकायत इस बात को लेकर है राजकुमार सिंह जी की, देखो सब कुछ चीजें इतनी साफ हैं, पर कांग्रेस को बाकी सब दोषी दिखाई देते हैं, स्वयं का कोई दोष दिखाई नहीं देता। ये शायद सबसे बड़ा दोष है कांग्रेस की वर्तमान हालत के लिए, क्योंकि गुरदीप सप्पल जी को भी वो दोष दिखाई नहीं दे रहे। सप्पल जी हर एक बार में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, पर क्रम था, मुझे लगा कि एक बार पूरा क्रम हो जाए गुरदीप सप्पल जी को याद रहेगा किसका क्या जवाब देना है। तो गुरदीप जी इतने सवाल आपको लेकर उठे हैं, पहले फेरिस्त में उनके जवाब मिल जाए तो फिर मेरे कुछ सवाल आपसे साझा हो पाए। देखिए मैं राजकुमार जी से ही बात शुरू करूंगा। जी राजकुमार जी, ये कहीं हमने कभी नहीं बोला कि कांग्रेस ने गलतियां नहीं की। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सत्ता तंत्र की पार्टी बन गई थी, इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि लगातार अगर बीजेपी 7 साल में सत्ता तंत्र की पार्टी बनती नजर आ रही है जो पूरा कंट्रोल कर रही है, तो कांग्रेस ने 50 साल राज किया था। यह भी सच है कि बहुत सारे सोशल ग्रुप्स कांग्रेस से छिटके इस बीच में, इसमें कोई दोराय हो ही नहीं सकती है, तो ये तो तथ्य है। लेकिन मैंने पहली बात में जिन बातों का जवाब दिया था वो इश्यूज से जो हमारी नजर में आज रास्ता डेमोक्रेसी और कांग्रेस दोनों के लिए कॉमन रोड़ा बने हुए हैं। और प्रेम प्रकाश पांडे जी ने बोला कि कांग्रेस बदल गई, नहीं कांग्रेस नहीं बदली प्रेम जी, 47 के बाद से आरएसएस और बीजेपी की मजबूरी हुई वो मुखौटा पहनने की जो कांग्रेस ही वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के मूल्य से जुड़ा हुआ है। और मैं लगातार एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि 50 में आपको ये संविधान पसंद नहीं था, आपको ये तिरंगा भी पसंद नहीं था, आपको राष्ट्रगान भी पसंद नहीं था, और इसके बारे में उस समय ऑर्गेनाइजर मुख्य पत्र था उसमें लगातार एडिटोरियल्स भी थे और सरसंघचालक के लेख भी पब्लिक में मौजूद हैं। लेकिन कांग्रेस की फिलॉसफी का इतना प्रभाव था हिमांशु जी कि धीरे धीरे मन से भले ही ना बदले हो लेकिन सामने बदल गए। और आज की तारीख में ये हो गया है कि कांग्रेस ने ना गांधी जी को डिसोन किया, ना नेहरू जी को डिसोन किया, ना किसी को, लेकिन आरएसएस ने सरसंघचालक जो गोलवरकर थे उनकी एक किताब को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसके अंदर जो बातें कही गई जो आप कह रहे हैं एंटी मुस्लिम, और मैं तो इस प्रोग्राम में वो बातें बोल नहीं सकता हूं, वो दर्शक गूगल कर सकते हैं, वो इतनी ज्यादा आज के जमाने में वो गलत बातें हैं कि वो आरएसएस के इस प्रभुत्व में भी जनता को स्वीकार नहीं होता। तो सबल जी मैं बीच में रोकता हूं, आप स्वयं बता रहे हैं कि एक दौर था 50 का जब इन्हें संविधान भी पसंद नहीं था, इनको तिरंगा भी पसंद नहीं था, जो संघ के प्रमुख रहे गोवलकर जी उनकी किताब भी इन्होंने जो है खारिज कर ली, समय के साथ बदल ली। आशय ये कि एक राजनीतिक दल होने के नाते देश या देश की जनता क्या चाहती है इसका बोध भाजपा या जनसंघ को रहा, उसने वक्त के साथ अपना बदलाव कर लिया। लेकिन आपको क्या हुआ धारा 370 को लेकर, जनमानस भाजपा ने बना लिया लेकिन आप उसके साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए। क्या गुरदीप सप्पल जी नहीं मानते हैं कि वक्त के बदलाव के साथ जन भावनाओं को समझ पाने की जो समझ, जो काबिलियत, जो कुवत कांग्रेस की हुआ करती थी कहीं ना कहीं चूक गए हैं आप, और उसकी कीमत जनता के स्तर पर खारिज होने की आपको हर बार चुकानी पड़ रही है? मानेंगे या इंकार करेंगे? इसके लिए भी भाजपा को जिम्मेदार मानेंगे, एक सवाल। दूसरा, मैंने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि कांग्रेस रहे, पर हम आपकी पिछले 7 दशक की राजनीति को अगर देखते हैं, आपने कब चाहा कि जनसंघ रहे? आपने कब चाहा कि भाजपा रहे? आप तो पूरे तरीके से इनको समाप्त कर देने के लिए प्रयत्नशील थे। सांप्रदायिक ताकतों का कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, ये जयघोष आप करते थे, तो फिर आपको शिकायत कैसी? आपका उत्तर। दो बातें आपने की। पहली बात, आप ये मत समझिए कि बीजेपी या आरएसएस वक्त के साथ बदले और वो उन मूल्यों में यकीन करने लगे जो कांग्रेस की है, जो आपने मेरी बात को गलत पकड़ा। सबसे बड़ा उदाहरण गांधी जी का है। गांधी जी को बाहर फूल मालाएं पहनाते हैं और गोडसे को वो पूरी तरह महिमा मंडित करते हैं। आप किसी भी संघ के कार्यकर्ता से पूछ लीजिए वो गोडसे की बात करेगा। तो ये जो दो मुही बातें हैं वो इनकी ताकत है, और अभी भी दो मुही बातें हैं। वो संविधान की बात इसलिए कर रहे हैं कि इतने मजबूत हो सके कि संविधान को बदल सके।
लेकिन जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस में निश्चित रूप से अब इस दौर के अंदर कांग्रेस को वैचारिक अपनी धार तेज करनी पड़ रही है। जैसा श्रवण जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो केवल कांग्रेस पार्टी की मजबूरी नहीं है, वो इस देश, क्योंकि देश के जो मूल्यों पे देश एक है और कांग्रेस के जो मूल्य है वो सेम है, और कांग्रेस के अंदर खुद यही डिबेट तो आज चल रही है। आज जब राहुल गांधी खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि वैचारिक स्पष्टता कांग्रेस को दोबारा चाहिए, वो इसी डिबेट का हिस्सा है। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको फिर रोक रहा हूं, क्या स्पष्टता है आपकी? आप जयपुर में पूरा मजमा इकट्ठा करते हैं, रैली बुलाते हैं महंगाई के विरोध की, और महंगाई के विरोध में कोई उल्लेख आता नहीं, राहुल गांधी जी का पूरा व्याख्यान हिंदू और हिंदुत्व में हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं बुलाए किस लिए गए थे, बात किस पर होने लगी। कांग्रेस की इस उलझन को लेकर ही तो सारी उलझन है। एक दूसरा जो टिप्पणी श्रवण जी की थी उस पर भी अब आपकी टिप्पणी चाहिए कि असल समस्या तो परिवार हो गया, अब इस परिवार से बात बनने वाली नहीं है, ये श्रवण जी जैसे सुधीर पत्रकार का निष्कर्ष है, राय नहीं है, निष्कर्ष है। चमत्कारिक नेतृत्व का यह देश आदि रहा है, वर्तमान में गांधी परिवार अर्थात सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव में चमत्कारिक नतीजे दे पाने में नाकाम रहते हैं, इस प्रकार का एक लंबा इतिहास बन रहा है। इस पर आपकी टिप्पणी मिले तो श्रवण जी के पास वापस चले। देखिए, पहले तो राहुल गांधी ने जयपुर में महंगाई पे 12 मिनट और हिंदुत्व पे 8 मिनट बोला, लेकिन चूंकि लोगों के लिए वो ज्यादा बड़ा इशू है तो वो चर्चा में ज्यादा आया। ये कंफ्यूजन कहीं नहीं है पार्टी में कि दोनों में से क्या हो। मैं फिर रोकूंगा गुरदीप जी, आपने फिर टिप्पणी बड़ी खतरनाक की। आपने कहा कि उन्होंने महंगाई पे 12 मिनट, हिंदू और हिंदुत्व पे 8 मिनट, पर लोगों के लिए महत्वपूर्ण हिंदू हिंदुत्व था इसलिए वो ज्यादा चर्चा में रहा। तो लोगों के लिए महत्वपूर्ण हिंदू और हिंदुत्व था तो रैली आपने महंगाई पे क्यों बुलाई? चुप हो गई आपको जनता के लिए मुद्दा समझ पाने में? नहीं नहीं हिमांशु जी, ये पिक एंड चूज आप कर रहे हैं कि एक मुद्दा होगा तो एक ही होगा, दूसरा साथ नहीं चलेगा। जनता के लिए इस देश में जो कुछ हो रहा है वो भी मुद्दा है, जनता के लिए बेरोजगारी भी मुद्दा है, जनता के लिए महंगाई भी मुद्दा है, और जयपुर की रैली एकमात्र रैली नहीं है कि इसके बाद राहुल गांधी की कोई और रैली नहीं होगी जिसमें वो बाकी मुद्दे नहीं उठाएंगे। ये पिक एंड चूज करने की जो बात है जी, वो उसको आप अलग कर दीजिए, पिक एंड चूज की बात नहीं है ये। ये मुद्दे साथ साथ चलते रहते हैं। जहां तक एक परिवार की बात है, श्रवण जी से ज्यादा कोई नहीं जानता कि 137 साल में कांग्रेस 60 बार विभाजित हुई, 60 बार जी। इवन नेहरू जी के बाद जब विभाजन हुआ 67 में जी, तो इंदिरा गांधी अकेली थी, ज्यादातर सिंडिकेट के साथ लोग थे, लेकिन जनता जो मैं फिर से श्रवण जी की बात को कह रहा हूं कि जनता का मूड और जो इंदिरा गांधी जी ने लाइन ली थी वो मैच किया और वो मेन पार्टी बन गई जी। और उसके बाद लगातार जब इवन जब सोनिया गांधी जब बनी थी अध्यक्ष, उसके पहले के 6 साल के अंदर जो नरसिम्हा राव के थे और 2 साल उसके बाद जो दूसरी सरकारें आई थी यूनाइटेड फ्रंट की, 19 टुकड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के, 19 नाम है, आप चाहे तो मैं गिना देता हूँ। मुपनार की अलग पार्टी थी, चिदम्बरम की अलग पार्टी थी, ठीक है ना, एनडी तिवारी की अलग पार्टी थी। तो जब सोनिया गांधी आई तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पार्टी पे कब्जा करके और वो आके बैठ गई, उनके आने पे पार्टी दोबारा एक हुई और एक करके चली। तो फैमिली का जो रोल है वो उस नजर से मत देखिए जिस नजर से बीजेपी हम लोगों को बार बार याद कराती है। फैमिली का रोल इतिहास के प्रिज्म से देखना चाहिए कि 60 बार अगर कोई पार्टी विभाजित होती है उसके बावजूद वो गांधी नेहरू मूल्यों के ऊपर ही आगे बढ़ती है। जो बाकी मूल्य हैं, जो बाकी लोगों ने मूल्य इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, हर बार वो कमजोर करके पुराने पड़ गए और लोगों को याद भी नहीं है। आज जनता से पूछे कांग्रेस ओ क्या है, किसी को याद भी नहीं है देश के अंदर। ऐसे बहुत सारे टुकड़े लोगों को याद नहीं है। गुरदीप सप्पल जी, आपसे आखिरी टिप्पणी लेता हूं क्योंकि मुझे श्रवण जी के पास भी जाना है। क्या दलीलों के साथ में आप नेतृत्व के संदर्भ में बात कर रहे हैं हमसे? सोनिया गांधी जी ने पद छोड़ा था अध्यक्ष का खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, उनकी स्वास्थ्यगत स्थिति ऐसी नहीं है कि अब वो बहुत सक्रिय भूमिका निभा सके, और उसके साथ में राहुल गांधी आए, राहुल गांधी जी ने पद छोड़ा और उन सोनिया गांधी के ऊपर दायित्व सौंप रखा है आप लोगों ने, जिन्होंने स्वास्थ्यगत कारणों से जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त किया था, और पिछले 2.5 साल में कोई एक जनसभा
अगर आप इस कार्यक्रम में साझा करें जिसमें सोनिया गांधी शामिल हुई, जनता से सीधा कनेक्ट किया, कहां नरेंद्र मोदी, कहां अमित शाह, कहां भाजपा का संगठन, कहां इतना बड़ा सीटों का आंकड़ा और मुकाबले में कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी निगाहें और नेतृत्व के स्तर पर सिवाय टेली कम्युनिकेशन के अलावा और कुछ हो तो गुरदीप सप्पल जी बताएं, क्या वाकई नेतृत्व के संकट को आप गंभीर नहीं मानते? क्या आप नहीं मानते कि वाकई कांग्रेस समय पर फैसले ले पाने में चूक रही है, संगठन की दृष्टि से भी और देश में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भूमिका निभाने से भी? इसका जवाब तो कुछ सोनिया जी ने सीडब्ल्यूसी में दिया था। क्या अगर कोविड नहीं होता हिमांशु जी तो चुनाव की जो प्रक्रिया अब शुरू हुई है वो शायद साल भर पहले शुरू हो गई होती। कुछ चीजें हम इस बात को भी भूल कर करते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर जो देश के अंदर माहौल है उस माहौल को अगर अब अलग रख, ये बात सच है कि बीजेपी के अंदर चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बाकी लोग हो, वो बड़ी अग्रेसिव कैंपेन की है। लेकिन ये भी बात सच है कि इस पीरियड के दौरान जो जमीन पर रहा कोविड के दौरान वो कांग्रेस का संगठन नहीं रहा, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। आप नेतृत्व को और संगठन को अलग करके अगर दिखाने की कोशिश करेंगे वो उचित नहीं है। इस पूरे पीरियड के अंदर अगर वैचारिक रूप से लड़ाई हो, कोविड के ऊपर लड़ाई हो, महंगाई के ऊपर लड़ाई हो, या मुद्दों पर मुखर बोलने की बात हो, वो तो कांग्रेस पार्टी ने की है, किसी और ने तो की नहीं है। बाकी जितनी पार्टियां आप गिनाते हैं, आपने बड़ी लंबी फेरिस्त गिनाई थी, ममता जीत गई, जगन जीत गए, केसीआर जीत गए, लेकिन आपको ये भी बोलना चाहिए था गहलोत जीत गए, बघेल जीत गए, उसमें अमृतधर या अभी चन्नी सीएम है या झारखंड में जीत गए, आपने वो जीत जो थी वो सब काट दी। आपने यूं दिखाया कि एक एक पार्टी एक एक स्टेट को जीत रही है, वो बीजेपी से लड़ रही है, और जो पार्टी कई स्टेट में इस दौरान में जीती वो लड़ नहीं रही है। तो ये जो प्रोजेक्शन गुरदीप सप्पल जी को अपने देश के 30 राज्यों में से 3 या 4 राज्यों में जीत के आधार पर मुक्त होना है तो हम उल्लेखित कर देते हैं, पर कांग्रेस के संदर्भ में शायद हमारी उम्मीदें ज्यादा रही और उसके मुकाबले में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। लेकिन मैं वापस श्रवण जी आपके पास में रुक करना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपने जैसे कहा कि परिवार समस्या है, पर परिवार से मुक्ति का कोई आसार आपको दिखाई दे रहा है कांग्रेस के वर्तमान तौर तरीकों में? हिमांशु जी, मैं 2-3 चीजों के जवाब पहले दे दूं जी, अगर टाइम बचे था तो इसके बारे में भी कहूंगा जी, और जो जवाब दे रहा हूं उसमें आपके खड़े किए हुए सवाल भी हैं जिनके जवाब सप्पल जी नहीं दे पाए जी। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व का है जी। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ संघ ने हिंदुत्व को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि वो चाहती है कि हिंदुत्व के कारण लोग भूखे मरना सीख लें और महंगाई की बात नहीं करें, वो केवल हिंदुत्व की बात करें, मुसलमानों की बात करें, पेट की बात नहीं करें। उनका कहना है कि अगर ये सारा झंझट जो है उनकी उनकी गरीबी का, बेकारी का, वो मुसलमान है। मैं प्रेम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं, जो मैंने कहा था कि अल्पसंख्यकों को नहीं चाहती उस पर उन्होंने टिप्पणी की, मैं केवल उनसे एक जवाब चाहता हूं कि रायपुर में जो धर्म संसद हुई और हरिद्वार में हुई और मुसलमानों के खिलाफ हथियार लेकर हिंदू समाज को सशस्त्र करने की बात हुई, उसके बारे में उनकी क्या राय है? क्या वो उसको जायज मानते हैं कि नाजायज मानते हैं? क्या इस तरह की कोई धर्म संसद किसी अल्पसंख्यक समाज के द्वारा आयोजित हो जाए? आपने देखा कि तबलीगी जमात की क्या गत बनाई थी आप लोगों ने कोरोना के समय, आप क्या उसको होने देंगे उस तरह की अल्पसंख्यक जमात की इस तरह की संसद को जिसमें यह कहा जाए कि हिंदू समाज पर हमला किया जाए? आज भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि उसके आगे सारे मुद्दे खत्म कर दिए। राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वो हिंदुत्व से लड़ें कि गरीबी से लड़ें देश की या महंगाई से लड़ें, कि अपनी पार्टी के अंदर गुलाम नबी आजाद जैसे जो लोग हैं या अमरिंदर सिंह जैसे लोग हैं जो इतने साल कांग्रेस में रहे और कांग्रेस की नीतियों का पालन करते रहे और अब पार्टियां बनाकर बीजेपी के साथ सीटों का समझौता कर रहे हैं, तो इन लोगों की नैतिकता पर कौन सवाल उठाएगा? ज्योतिरादित्य की नैतिकता पर कौन सवाल उठाएगा और जितेंद्र प्रसाद की नैतिकता पर कौन सवाल उठाएगा?
और मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं, ये मैंने उठाया मुद्दा कि परिवार का एक बड़ा मुद्दा है, और मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि जिस तरह से झंडा राहुल गांधी की गोद में आके गिर गया, वैसे पार्टी भी उनकी गोद में आके गिर गई है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद नंबर दो का नेता कौन है, प्रेम प्रकाश जी बताएं, और नंबर तीन का नेता कौन है, प्रेम प्रकाश जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी जिसका जिक्र किया प्रेम प्रकाश जी ने, वही काम कर रही है गांधी के अधूरे काम को छोड़, जो जो है वो पूरा कर रही है। जो जो गोडसे की समर्थक पार्टी है, जिसने गोडसे ने गांधी को मारा, उसी का काम बीजेपी कर रही है कि जो गांधी चाहते थे कि कांग्रेस लोक सेवक संघ में परिवर्तित हो जाए, तो कांग्रेस ने तो नहीं किया, नरेंद्र मोदी उस काम को करना चाहते हैं कि वो कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं, मतलब वो कांग्रेस का काम करने में लगे हुए हैं। दिक्कत यह है कि कांग्रेस का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी तय करना चाहती है, और वो बताना चाहती है, वो इमरजेंसी की याद दिलाना चाहती है। प्रेम प्रकाश जी कहते हैं कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को समाप्त करने में लगी हुई है, जिसका सम्मान नहीं किया गया उनको। तो दिक्कत यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उस पर बात नहीं करना चाहते, आप बात यह करना चाहते हैं कि कांग्रेस क्या नहीं कर रही है। तो मेरा ये मानना है, मेरा मानना है कि कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस ये 2014 के पहले स्थिति नहीं थी, यही कांग्रेस थी 2014 के पहले भी जी। पर उस जमाने में अटल जी और आडवाणी जी थे, सौम्य नेता थे, और प्रेम प्रकाश पांडे जी भी उस समय आडवाणी और अटल जी टाइप ही थे जी। वो तो हो ये गया कि आज के जमाने में प्रेम प्रकाश जी को भी पार्टी में बने रहना है, इसलिए उनको जिनके गाने गाना उन्हीं के गाने गाएंगे वो। ये दिक्कत हो गई है कि कांग्रेस तो नहीं बदली, भारतीय जनता पार्टी बदल गई, और 2014 के बाद से पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का ढांचा था जी, वो एक व्यक्ति में आके समाहित हो गया। नहीं तो इसी कांग्रेस ने, और मैं आपसे पूछता हूं हिमांशु जी ये, कि दो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे 2014 में जीत के आए, अरविंद केजरीवाल कैसे जीत गए ये, और आज तक कैसे जीत रहे हैं वो? चंडीगढ़ की लोकल बॉडीज के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई? तो ये जो आप कह रहे हैं ना, आप चाहते हैं कांग्रेस रहे, मैं ये मानता हूं कि जितने दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो भी कांग्रेस के रूप में ही ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। मतलब कोई जरूरत नहीं है, अगर कांग्रेस एक बड़े नेता के रूप, बड़े राष्ट्रीय दल के रूप में आज आपको नहीं दिख रही है, और 20 दलों के रूप में आपको दिख रही है, तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की भी कांग्रेस है, वाईएसआर की कांग्रेस भी कांग्रेस है, संगमा की कांग्रेस भी कांग्रेस है, तृणमूल की कांग्रेस भी कांग्रेस है। आपकी राय तो यह है कि कुल मिलाकर विपक्ष की जो भी उपस्थिति उसे आप कांग्रेस के स्वरूप में देख लें। लेकिन मैं आपसे एक संक्षिप्त सवाल पर प्रतिक्रिया चाहता हूं, क्योंकि आपने प्रेम प्रकाश जी पर इतने सवाल कर दिए हैं कि अगर मैं उनसे जवाब नहीं लूंगा तो अत्याचार हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, कांग्रेस के लिए संकट किस कारण से ज्यादा है, नरेंद्र मोदी के होने से ज्यादा है या गांधी परिवार अर्थात राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के होने से ज्यादा है? इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। केवल एक जवाब है कि सोनिया गांधी अपने विदेशी मूल के अपराध बोध के कारण इंदिरा गांधी की तरह काम नहीं कर सकती, केवल एक जवाब है जी। और वो हमेशा एक इस तरह के अपराध बोध से ग्रसित रहती हैं कि वो अगर कोई कदम उठाती हैं तो उनको तानाशाह के रूप में कांग्रेस पार्टी में भी और विपक्ष में भी और भारतीय जनता पार्टी भी बताएगी। शरद पवार, संगमा, तारिक अनवर आदि ने कांग्रेस क्यों छोड़ी, क्या मुद्दा बना के छोड़ा जी? यही मुद्दा था जी, कि उनके विदेशी मूल के मामले को उन्होंने उठाया, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं था जी। तो मेरा यह मानना है कि अगर
सोनिया गांधी फैसले लेना शुरू कर दें और लोगों को निकालना शुरू कर दें पार्टी से कि आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है हमको, उनकी सहन शक्ति जो है असंतुष्टों को लेकर कि आप पार्टी में रहकर पार्टी विरोधी कार्रवाइयां गतिविधियां जारी रख सकते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो कुल मिला के सोनिया गांधी को ही सबसे बड़ी चुनौती मान रहे, क्योंकि सोनिया गांधी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही, कहीं ना कहीं इसलिए उन ताकतों को भी बर्दा करें जो पार्टी में रहकर पार्टी को ही कमजोर कर रहे हैं। लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास मैं रुख करना चाहता हूँ। श्रवण जी बहुत नाराज हैं आपसे, आपसे मतलब आपकी पार्टी से, आपके बदलाव पर भी उन्होंने टिप्पणी की। सहमत हैं आप वक्त के साथ में? गुरुजी सप्पल जी बता रहे थे भाजपा कैसे बदल गई, तो प्रेम प्रकाश जी या उन जैसे तमाम नेता भी वक्त के साथ बदल गए, तो क्यों इतनी शिकायत है श्रवण जी को, या आपका इससे इतर कोई और नजरिया प्रेम प्रकाश जी? देखिए क्या है, मुझे नहीं लगता कि श्रवण जी आखिर इतना नाराज क्यों है और वो खुद कंट्रडिक्शन की बातें कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि इंदिरा जी इस तरीके तानाशाह नहीं चला पा रही पार्टी में, सोनिया जी इससे पार्टी है, मतलब वो मान रहे हैं कि इंदिरा जी तानाशाह थी। मतलब कांग्रेस का अगर बहुत बड़ा एक मिडिल देखें 70 के दशक से लेकर के और 84 तक, तो जो कांग्रेस को एक पूरे देश भर में और मैं समझता हूँ कि नेहरू जी के बाद झोपड़ी तक पहुंचाने का काम किसी ने किया तो इंदिरा जी ने किया, और इंदिरा जी तानाशाह थी ये पूरे दुनिया ने देखा। हम तो डेमोक्रेटिक संस्थाओं को जीवित कर रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि भाई मोदी जी दिल्ली में जीत रहे हैं तो आप पार्टी यहाँ जीत रही है, यहाँ पे हैदराबाद में दूसरी पार्टी जीत रही है, यहाँ चौथी जीत रही है। बड़ी कृपा मतलब कर रहे हैं प्रेम प्रकाश जी, आप इन पार्टियों को जीतने दे रहे हैं, इस बात का एहसास आप करा रहे हैं कि देखो हम हैं फिर भी इनको जीतने दे रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है इस देश की राजनीति के अंतर्गत, ऐसा लग रहा है। अरे भाई बात तो सुनिए, रमण जी जो बात कह रहे हैं मैं उन्हीं की बात से कह रहा हूँ। इंदिरा जी ने तो सारी पार्टियों को बंद कर दिया था, संविधान संशोधन उन्होंने किया, मीडिया पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया, और आज जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि धीरे धीरे जनता अब जानने लगी, पहले कुछ मीडिया रहती थी, मीडिया हाउसेज इंग्लिश मीडिया, उनपे आपका राज रहता था, अब सर्व के सामने हो गया, तो कांग्रेस को लोगों ने बहुत नजदीक से जानना शुरू किया, इसलिए शायद आपसे दूर होती जा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रेम प्रकाश जी की, कांग्रेस को नजदीकी से जान गए जनता और इसलिए अब कांग्रेस से दूर हो गए। गुरुजी सप्पल जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप लेते हैं, मैं राजकुमार सिंह जी की आखिरी टिप्पणी लेना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में। सप्पल जी संक्षिप्त में आपका हस्तक्षेप। नहीं मुझे सिर्फ इतनी सी बात कहनी थी कि प्रेम प्रकाश जी इतनी सारी बातें कर रहे थे ना, लेकिन बातों के अंदर उन्होंने बेसिक बात का जवाब नहीं दिया जो कि श्रवण जी ने पूछा था कि जो धर्म संसद में जिस तरह की बातें हो रही थी उसके बारे में उनको क्या कहना है। धर्म संसद के संदर्भ में उठे हुए सवाल पर प्रेम प्रकाश जी को क्या कहना है? प्रेम प्रकाश जी आपकी टिप्पणी। रायपुर में जो धर्म संसद हुआ उसके आयोजक कौन थे? उसमें मुख्यमंत्री जाने वाले थे, उसमें रमन सिंह जी भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे प्रेम प्रकाश जी, और रायपुर की धर्म संसद में गांधी को गाली दी गई, लेकिन हरिद्वार की जिस धर्म संसद का उल्लेख श्रवण जी कर रहे हैं उसमें शुद्ध रूप से आह्वान किया गया कि हिंदुओं को अब हथियार, अच्छे किस्म के हथियार, ये तलवार वलवार से काम नहीं करेगा, अच्छे हथियार सहेजने होंगे, समेटने होंगे, इस्तेमाल करना होंगे, तभी बच पाएंगे। ये आह्वान है धर्म संसद में, लेकिन उस पर हम बात बाद में करेंगे, मुझे कार्यक्रम समाप्त करना है, समय सीमित है। राजकुमार जी से मुझे केवल टिप्पणी इतनी लेनी है कि कांग्रेस अतीत के गौरव के साथ इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए ऐसा रहेगा, या इससे इतर उसका कुछ भविष्य देख पाए, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत आप महसूस करते हैं? संक्षिप्त में राजकुमार जी। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, TRS, YSR कांग्रेस, इनकी जीत ये बताती है कि बीजेपी की आक्रामक राजनीति का जवाब देकर चुनाव जीते जा सकते हैं, असंभव नहीं है तमाम तिकड़मों, तमाम जितने आरोप लगाए गए बीजेपी पे उसके बावजूद। लेकिन आपको जनता की नब्ज को समझना होगा, जनता के मूड को पढ़ना होगा, जनता के जुड़े मुद्दों को उठाना होगा और अपने आप को री इन्वेंट करके अपनी प्रासंगिकता विश्वसनीयता साबित करनी होगी।
ये काम जिस दिन कांग्रेस कर लेगी तो कांग्रेस का भविष्य ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान दिख रहा है वही रहेगा। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है राजकुमार सिंह जी, जो कार्यक्रम का निचोड़ है कि कुल मिलाकर जनता से वापस जुड़ने की जरूरत है कांग्रेस को, अपने नेतृत्व पर फैसला लेने की जरूरत है कांग्रेस को, और केवल अतीत के गौरव की गलियों में खो जाने के लिए कांग्रेस नहीं है बल्कि देश और दल के भविष्य की चुनौतियों को समझने की कोशिश करे कांग्रेस, इसकी भी जरूरत है। कांग्रेस के प्रति आज भी लोगों के बीच में उम्मीद है, पर कांग्रेस खुद क्या उन उम्मीदों को पूरा करना चाहती है, ये यक्ष प्रश्न देश के बीच में बना हुआ है। क्या गुरुदेव सप्पल जी अपनी पार्टी के बीच में इस यक्ष प्रश्न का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, इसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय अब प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारी प्रासंगिक पंक्तियां कांग्रेस के लिए कुछ उम्मीद जगाती हुई इस रूप में व्यक्त करती हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर ने जनता के संदर्भ में जो संदेश दिया है, कांग्रेस को उसका बोध करने की जरूरत है। कांग्रेस ने अगर उसका बोध कर लिया और उसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया तो तय है कि हम कांग्रेस को केवल अतीत के गौरव के लिए नहीं बल्कि भविष्य की उम्मीदों के लिए भी स्मरण करेंगे। देखें क्या कांग्रेस ऐसा कर पाती, इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।